हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मम्मा एंड आदविक। और आप लोग जैसे देख रहे हैं, आज मैं आपको स्पाइस बॉक्स दिखा रही हूँ, जो कि ये मेरा एक ओल्ड स्पाइस बॉक्स है जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो ये अचानक मुझे मिला और मैंने सोचा कि कुछ क्रिएटिव करा जाए इसके साथ। तो मैंने लिया है ये फैब्रिक कलर, जो कि मेरे पास पहले से रखा हुआ था, तो उसको अब मैं यूज़ कर रही हूँ इसके साथ। आद्विक भी कुछ बोलना चाहता है। ट्राई करना, हैंडल करना और लाई करना। तो ये मैं बाय। तो मैं ये कलर्स दिखा रही हूँ जिसमें कि मेरा छोटा बेबी भी मेरी हेल्प करा रहा है। और इसमें मैं यूज़ करूँगी ये वाला कलर, ये ब्लू वन, जिसमें फैब्रिक ये फाड़ दिया है इसमें। इसका नाम भी था 23 कैमराइन, शायद इसका नेम यही हो, और ये मुझे नहीं पता क्या नेम है फुल नेम। तो ये येलो और ये दोनों कलर्स मैं यूज़ करूँगी। और उससे आप अपना पुराना जो भी स्पाइस बॉक्स है, जिसको आप नमक मसाला दानी भी बोल सकते हैं हिंदी में, तो उसको आप नया बना सकते हैं। और ये है एक्रेलिक कलर सनफ्लावर किट जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है। इसमें आपको ये सारे कलर्स मिल जाएंगे। इसमें ये सारे कलर्स हैं जो कि आपको इजीली कहीं भी किसी भी बुक स्टेशनरी में या किसी भी बुक शॉप में आपको मिल जाएगा, या आप किसी भी कलर शॉप में जाते हैं जहाँ पे आपको आर्ट्स वाले चीज़ें मिल जाएगी, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपको पूरा 10 कलर्स मिलेंगे अलग अलग, तो आप उनमें से कोई भी कलर आप अपनी चॉइस का यूज़ करके कोई भी डिज़ाइन आप लोग निकाल सकते हैं, बना सकते हैं उसमें। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या करा है। तो अब देखिए आप कि ये मेरा छोटा बेबी भी मेरी हेल्प करा रहा है, आद्विक मेरी हेल्प करा रहा है इसमें, और ये खेलने में लगा हुआ है। और एक आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें एक ब्रश ले लीजिए। और ये फाइनल जो कि वन लेयर मैंने इसमें लगाई है अभी ब्लू की, उसके ऊपर मैं येलो डॉट लगा रही हूँ। और ये ब्लू लेयर है जो कि फर्स्ट लेयर है मेरी, फिर सेकंड लेयर लगाऊंगी। पर इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही है क्योंकि ये फैब्रिक कलर है, इसलिए इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही है। तो आपको दो लेयर लगानी पड़ेगी इस वजह से, और मुझे भी इसमें दो लेयर लगानी पड़ी, उससे थोड़ी सी फिनिशिंग आई है। और आपके पास वैसे हमारे पास प्लेन ब्रश होना चाहिए, जो कि प्लेन ब्रश से क्या होता है कि उससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। और ये मेरे छोटे बेबी ने भी पेंट किया है, जो कि पीछे पड़ गया था, मैं भी पेंट करूँगा, उसने भी पेंट किया है इसमें, और उसको भी काफ़ी कलरिंग बहुत पसंद है, तो मैंने उसे भी दे दिया था। अब ये मैंने अभी इसमें दूसरी लेयर लगाऊंगी। ये मैंने अंदर बॉक्स का भी अंदर भी करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही रहने देते, क्योंकि ये कलर इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था इस पर, क्योंकि ये प्लास्टिक है और वो फैब्रिक कलर हैं। तो ये सिर्फ एक यूज़ के लिए ट्रायल किया मैंने कि कैसे लगेगा। तो फाइनली फिर मैंने इसको लुक दिया, जो बहुत ही अच्छा लुक आया। इसमें येलो इसलिए किया क्योंकि मेरा किचन भी येलो में है, तो इसलिए ब्लू विद येलो। और ये आपको फाइनल लुक मैं इसका दिखा रही हूँ, ये जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था बनने के बाद। अभी इसमें थोड़ा फाइनल टच होना बाकी है, और थोड़ी थोड़ी ही वीडियो बना पाई हूँ मैं, पूरा अच्छे से नहीं बना पाई इसकी वीडियो। और ये फाइनल लुक अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक। और ये आप देख लो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये अब यूज़ेबल हो चुका है, क्योंकि ये पहले बिना यूज़ वाला था, यूज़ ही नहीं होता था। और ये बिफ़ोर और आफ्टर पिक देख सकते हैं आप इसकी, कितना अच्छा लुक आया है इसका। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।